नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा और HTML के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में। हम पहले टैग्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। हम देखते हैं टैग्स। HTML में टैग्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी का वर्क हम HTML वेब पेज को बनाने के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं, वो होते हैं HTML के टैग्स। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, पहला तो ओपन टैग्स, दूसरा है क्लोज टैग। मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जितने भी टैग्स होते हैं HTML में, उनको हमें क्लोज करने की आवश्यकता होती है, ओपन करने की, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो उनको या तो ओपन हम रख सकते हैं या तो क्लोज। अब देखते हैं ओपन और क्लोज का बेसिकली मतलब क्या है। ओपन टैग्स कुछ इस प्रकार से होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। आज के समय में जितने भी हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं, वो तो इनको खुद ही क्लोज कर देते हैं अगर हम क्लोज ना करें, लेकिन एक कोड पढ़ने के लिहाज से हमें क्लोज करने की आवश्यकता पड़ती है। हम क्लोज किए रहते हैं तो कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर हमारे कोड को पढ़ता है तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। जिसमें से क्लोज टैग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ब्रेक टैग, हेडलाइन टैग जिसको HR टैग भी बोलते हैं, फिर इमेज टैग जो कि इमेज इंसर्ट कराने के लिए होती है, और ब्रेक टैग तो एक लाइन से दूसरे लाइन को ब्रेक करने के लिए, और हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करने के लिए किसी दो लाइन के बीच में हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन टैग। फिर मैं आपको पहले क्लोज टैग्स के अबाउट कुछ बता देता हूँ, देन हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम बात करते हैं अब क्लोज टैग्स। क्लोज टैग्स कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की आवश्यकता होती है। इधर मैं दिखाता हूँ आपको ब्रेक टैग जो कि एक ओपन टैग है। इसमें देखिए आप, इसको हमने एक ही जगह पे ओपन किया, एक ही जगह पे क्लोज कर दिया, वहीं पर ओपन वहीं पर क्लोज। बट जो क्लोज टैग होता है उसको एक जगह ओपन किया जाता है एक एंगुलर ब्रैकेट में, एक एंगुलर ब्रैकेट में उसको ओपन किया जाता है और दूसरे एंगुलर ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ टैग जो पैराग्राफ को मैनेज करता है। डिवीजन टैग, डिवीजन टैग एक डिवीजन की तरह वर्क करता है। पूरे HTML डॉक्यूमेंट में हम अगर डिवीजन को लेके वर्क करते हैं तो हमें वर्क करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं HTML टैग में ओपन टैग्स का ब्रेक टैग, अब जिसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करें देखते हैं। चलते हैं हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ आप और कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेते हैं तो भी चलेगा, बट हम रेकमेंड करेंगे कि आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करें क्योंकि ये आपको आईडी प्रोवाइड करता है। आईडी क्या है ये हम कभी आगे आने वाले सेशन में आपको समझा देंगे। फिर हम इसको, सबसे पहले हमें सेव करना होता है। अब इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम इसको किसी भी नाम से, बट इसका जो एक्सटेंशन है इसको होम दे देते हैं, होम दे देते हैं, और इसको HTML में सेव करना होता है। बट अगर इसको हम HTML भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आप करके देखेंगे। HTML या HTML दोनों से आप एक्सटेंशन में सेव करके इसका एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब हम इसको, मैं आपको लोड करके दिखाता हूं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट बना या नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर लिया, पहला तो काम है इसको ओपन इन ब्राउजर करेंगे तब भी हमारे ब्राउजर पे लोड हो जाएगा। बट यहाँ बाय डिफॉल्ट मैं दिखाता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एज लगा है, बट हमें चाहिए क्रोम, तो इसके लिए हम इसको खुद से ओपन करेंगे। आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, आप इस थंबनेल फाइल पे जाइए, देन आप जहाँ पे सेव किए हैं वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये होम मिल रहा है। इसको अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं तो वहाँ भी सही हो जाएगा, यहाँ भी। मैंने सोचा ये आपको बता दूँ, मे बी आप में नया हो तो प्रॉब्लम करें। यहाँ से हम चूज ऐप करेंगे, देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑलवेज ओपन पे रखेंगे तो हमेशा से ये इसी में ओपन होगा। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड हो गया है और आप इसको देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ टैग्स। अब इसमें यहाँ पे HTML का एक बेसिक डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे HTML का, तो यहाँ पे दे देंगे होम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट
आपको इसका टाइटल नेम मिल जाता है अगर आप कोई टाइटल नहीं देते हैं। हमने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाया था, वरना कुछ लिखा था, बस HTML से डॉक्यूमेंट बनाया था, तो उसका जो फाइल का नाम था वो इसका टाइटल बन गया। बट यहाँ पे देख सकते हैं, हमने होम जो लिखा है वो टाइटल भी है और हमने फाइल का नाम भी टाइटल दिया है। बट ये अभी होम जो है वो टाइटल दिखा रहा है, यहाँ पे जो होम है वो हमारे फाइल का नाम दिखा रहा है। तो हम एक हटा देते हैं और यहाँ पे हम वर्क करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ BR टैग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ लाइन लिखेंगे फर्स्ट, देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे PCIT टेक्निकल। हमने ये टेक्स्ट लिख दिया, फिर हम इसके आगे लिख देते हैं विजिट अगेन। अब हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन बाय डिफॉल्ट तो हम जब देखेंगे तो हमें एक मिनट, हम यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें एक ही लाइन में दिखेगी। अब हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी रहे और ये वाली लाइन इसके नीचे आ जाए, या तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक टैग। इसके बीच में हम ब्रेक टैग लगा देंगे, इंटर कर देंगे। इसको अगर क्लोज आप ना भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्लोज करते हैं तो देखने के लिहाज से, प्रोग्राम को रीड करने के लिहाज से अच्छा रहेगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ ये काम हमने क्या किया, ब्रेक टैग से, तो ये ब्रेक टैग का यूज है। देन हम बात करते हैं हॉरिजेंटल टैग। अब यहीं पर हम हॉरिजेंटल लगा लेते हैं कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद। यहाँ पे हमने लिख दिया आगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को हम चाहते हैं कि और इस टेक्स्ट दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो उसको ड्रा करने के लिए हम HR टैग का यूज करेंगे। HR टैग को ये हमने लगा दिया। अब इसको हम चल के देखते हैं रिफ्रेश करके। रिफ्रेश आप यहाँ रिफ्रेश बटन से रिलोड कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की एक है Ctrl+R, उससे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं HR टैग हमारा काम कर गया। देन हम बात करते हैं इमेज टैग की। इमेज टैग से हम किसी भी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट कर सकते हैं या वहां पे लगा सकते हैं। उसके लिए हम किसी एक इमेज पे चलते हैं, देन हम उस इमेज का पहले देखते हैं पाथ। इमेज यहाँ पे है, बट यहाँ पे है तो हमें ज्यादा पाथ प्रोवाइड करने की जरूरत होगी, तो इसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और इसको जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप, वहां पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। पहले से यही वॉलपेपर यहाँ पे है, बट इसको हम पेस्ट कर देते हैं और कर देते हैं रिप्लेस। अब यहाँ पे ये चीज हमने कर दिया है रिप्लेस, और अब हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। यहाँ पे हम इमेज SRC यहाँ पे जो हमने बनाया था अभी वो लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका सोर्स देते हैं। सोर्स क्या देंगे, वॉल पेपर, आई थिंक वहां पे कैपिटल में है, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमें ट्राई करते रहना चाहिए, डोंट क्राई ऑलवेज ट्राई। वन मिनट वी नीड टू लोड इट ऑन आवर ब्राउजर, देन गो टू द ब्राउजर। ये देखिए आपका इमेज जो है यहाँ पे हो गया है इंसर्ट, इंसर्ट कहें या इंपोर्ट कहें। अब इसको रिसाइज करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर इस इमेज को आप चाहते हैं कि ये इमेज जो है साइज इसकी, तो यहाँ पे हम हाइट लिखेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं यहाँ बाय डिफॉल्ट, हमें HTML प्रोवाइड करता है, बाकी हम CSS से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 50 पिक्सल्स। यहाँ पे हम पिक्सल्स में दें या परसेंटेज में, दोनों काम करेगा। तो हम पहले पिक्सल्स में ले लेते हैं 50-50%। हाइट तो विड्थ भी होगी, विड्थ भी हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि कर देते हैं 50 पिक्सल्स इसको करेंगे। देन हम इसको चलते हैं रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये फाइल रिसाइज हो गई और बहुत ही छोटी हो गई। हमें तो समझने से मतलब है, छोटी हो बड़ी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसका आगे के जो बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स होते हैं बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए, जो हम HTML में ना करके CSS से देखेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी।
फिर हम बात करते हैं इमेज टैग के बाद हमारा है पैराग्राफ टैग। डिवीजन टैग के लिए मैं आए नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, बट पैराग्राफ टैग यहाँ मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या होते हैं। पैराग्राफ टैग मतलब कि हमें पैराग्राफ्स लिखने हैं, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा दें तो हमें अच्छा दिखेगा। अगर इसकी हाइट हम बढ़ा देंगे तो ये हमें थोड़ा अच्छा इसका व्यू दिखेगा। देन हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग के लिए पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, देन इसमें हम लॉरेल इप्सम का कंटेंट डालेंगे। उसके लिए आप यहाँ कहीं से भी आके यहाँ पे अगर लिखेंगे आप लॉरेल इप्सम तो आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा। देन इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा सिंपली कट, कट करके यहाँ आप पेस्ट कर देंगे। ये तनाना पेस्ट करो, ओके कोई नहीं हम पेस्ट कर लिए। अब इसको करते हैं हम रिलोड। ये देखिए पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ ट्रीट करने के लिए इसको। अब इसके बीच में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। मैं आपको एक जो है बोनस टैग यहाँ पे बताता हूँ जिसको कहते हैं बी टैग। बी टैग क्या यूज करता है, बोल्ड करने के। मैं एकदम शुरुआती दौर में आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। इतना कॉन्टेंट हमें बोल्ड करना है तो पहले हम डिफाइन करेंगे ये जो है क्लोज टैग है तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब कहाँ हमें इसको कहाँ तक बोल्ड करना है, यहाँ तक। तो इसको हम मार देंगे क्लोज, वो खुद ही क्लोज कर लेगा। अब यहाँ पे परचेज वर्चेज नहीं करना है, आप जो है अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आए, यहाँ करिए रिफ्रेश। रिफ्रेश आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा बोल्ड। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे के जो डिवीजन टैग्स है उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन गुड बाय।